हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और भाई आज है 19 जनवरी और मैं आ गया स्कूल पे। अभी मशीन को जो स्टार्ट करेंगे, ये दो बैटरी से स्टार्ट होगी। तो भैया ये रही मशीन। अभी इसको या तो ट्रैक्टर की बैटरी उतारनी पड़ेगी वो वाली, और इसके ये जो आगे है इसका बैटरी सिस्टम तो यहाँ पर रखनी पड़ेगी। आगे इसका बहुत कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे दो बैटरी जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है भाई, तो अभी इसका ऑपरेटर आने वाला है, फिर करेंगे इसको स्टार्ट। और आज का वो जो प्लान है वो खेती आवास जाने वाला, वो पाइप के जॉइंट डाल के आने थे वो भाई, आज का प्रोग्राम कैंसिल है वो आज का। और अभी मैं करता हूँ अपनी वाली मशीन को स्टार्ट, देखते हैं एक बार में स्टार्ट होती, क्योंकि कल भी पूरे दिन ये खड़ी रही थी तो आज भी एक बार में स्टार्ट होती है या नहीं, ये देखते हैं एक बार। तो भाई भाई एक बार में स्टार्ट होगी मशीन। तो इसकी जो गियर बॉक्स की जो सील है उसकी ये सील डाल के और मैं इसको फिर धो दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सर्विस स्टेशन है थोड़ी सी आगे, तो फिर वहीं से ही जो धोनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा बिजली का पंगा है। ठीक है भाई, क्यों पाड़ो पड़ा ही भाई, अजब हुआ है। बता तो दी वी आई पी है, कितनी बार बताऊं, बड़ा आगे देसी हुआ है। जरा दो बैटरी के मैं स्टार्ट हुए, इंजन बंदवा भाई। मारू मारू हो गए भाई, तो दो बैटरी से स्टार्ट। तो भैया हमारी मशीन में जो है नीचे से ऑयल गिर रहा है, हाइड्रोलिक ऑयल, तो वो देखते कहाँ से गिर रहा है। तो भाई ये जो ऑयल आ रहा हमारा, ये यहाँ से आ रहा है, ये वाली जो पाइप है ये एक तो पावर स्टेयरिंग की है, और एक ये जो पिछले जो कंट्रोल वाल की, इनमें में से आ रहा है हाइड्रोलिक ऑयल। ये यहाँ से ढीली होगी ये वाली पाइप, तो इनको टाइट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, ये पाइप से यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ से फिर पंप में से नीचे गिर रहा है। ठीक है, मुझे ये डाउट था कि ये जो मेन पाइप है हाइड्रोलिक की, यहाँ से ये लीक हो रहा है, तो अभी इनको करूँगा टाइट। तो भैया मैंने उसकी जो पाइप वो कर दी थी टाइट, और हमारा जो क्रॉस था जो क्रॉस के जो बोल्ट थे वो भी ढीले हो रहे थे, तो मैंने वो भी फिर किए हैं टाइट। ठीक है, मशीन की हालत बहुत ख़राब हो रही है, वॉश करनी पड़ेगी। और वो मशीन भी आ गई, वो गई थी वहाँ पे जो तालाब बन रहा है वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ काम था मिट्टी विट्टी का, फिलिंग का, तो फिर वहाँ पे गई थी। तो भाई आप अगर सेकंड हैंड मशीन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो भाई सबसे पहले अगर आपने कुछ देखना है ना सेकंड हैंड मशीनों में, तो आपकी ये जो पिन है ना, ये मेन पिन, ये देखिए, ये बहुत जो ज़रूरी होती है, जो पूरे बूम को कंट्रोल करती है। ठीक है भाई, और ये जो केपीसी होती है पूरी, इनमें कोई वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे प्ले, ये जो पिन होती है इसके अंदर कोई प्ले या फिर
उसको चेक करने का आपके पास बिल्कुल आसान सा तरीका है। या तो आप एक एक बंदा भी इसको ऐसे हिला सकता है, ऐसे ये पकड़ के ऐसे यहाँ से सिलेंडर को, और यहाँ से हिला के देख लो, अगर केपीसी की ये जो पिन हिल रही है, ये वाली मेन पिन, तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, ये देख लो, इसकी पिन हिल रही है वहाँ से भी, और ये तो पूरा हिल ही रहा है, ये तो पूरा, ये जो इसके कान होते हैं और ये एच लिंक, ये इनका पूरा बिन बुश का काम होएगा। ठीक है, ये जो आपके पास जेसीबी जो जो कंपनी की पिन आती है ना, ओरिजिनल पिन आती है, ये अकेली सिर्फ ये वाली पिन 3500 रुपये की आती है, ये वाली पिन, बस एक पिन। ठीक है, और तो ये सब अलग है, ये वाली पिन भी अलग, ये भी अलग है, सिर्फ ये पिन 3500 रुपये की आती है, ये पिन जेसीबी की ओरिजिनल। ठीक है, और इनमें तो भाई ये ऐसे ज्वाइंट है, इनमें तो सिर्फ ओरिजिनल पिन ही काम देती है इनके अंदर। ठीक है, आप सेकंड हैंड जो मशीनें होती हैं उनके अंदर जो केपीसी को भी सरका के देख लो एक बार कि ये जो केपीसी इधर उधर होती है या नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ कुछ छोटी ऐसी बातें होती है, क्योंकि इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसकी एक ये सील भी कटी हुई होगी ना, ये वाली जो केपीसी की जो इसको चिपका के रखती है इसको अंदर, तो फिर उसमें भी आपको केपीसी के अंदर बहुत खर्चा आएगा। ठीक है, जो कि आप इतने पैसे कर रहे हो उनके अंदर इन्वेस्ट, तो वो खराब ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये थोड़ी सी सावधानी है, ये बरतनी पड़ेगी। ये देख लो, अगर आप ये सिलेंडर भी हिला सकते हो, अगर इन्हीं इनके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी प्ले होगी तो दिक्कत आएगी आपको ये आगे। ठीक है, ये कुछ काम है, ये फ्रंट बकेट वाले जो पीने, इनको भी आप हिला के देख लो, ये देख लो पूरी हिल रही है यहाँ से, इसमें पूरी प्ले हो रही है। ठीक है, और एक बार मशीन को स्टार्ट करके आप थोड़ी सी रफ एरिया के अंदर, जैसे ऊंचा नीचा जो एरिया होता है उसके अंदर एक बार चला भी सकते हो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपकी जो मेन सेंटर पिन है जो अगली फ्रंट एक्सल की, इसके अंदर प्ले होगी तो ये आवाज़ आएगी, इसके अंदर जो आवाज़ आती है मशीनों के अंदर। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। और जो ये स्टेपलाइजर है भाई, इनका मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐसे स्टेपलाइजर होते हैं, ये जैसे रेक्टेंगल शेप में है, ये मतलब यहाँ से चौड़ा है और यहाँ से भीड़ा है। ठीक है, तो आप अगर हो सके तो जिनमें अगर ऐसे स्टेपलाइजर हो ना, ये तो पैड है इसके, तो ऐसा आप अवॉइड करें ऐसी मशीनों को, क्योंकि इन वाली मशीनों में है ना ये ज़्यादा प्ले होती है इनके अंदर, ये जो ऐसे शेप में जो ये होते हैं स्टेपलाइजर, आप इनकी बजाय आप जो ऐसे स्टेपलाइजर होते पूरे जो ये ऐसे शेप में होते हैं बराबर है, चारों कोना बिल्कुल, ये देख लो आप, यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसे जो मशीनें होती है इनके अंदर कम प्ले होती है, मतलब ये हिलती वो नहीं है ज़्यादा। ठीक है भाई, और अभी जो ऐसे जो स्टेपलाइजर आ रहे हैं वो सिर्फ इस वाली मशीन में ही आ रहे हैं, जो ये टायरेक्स की मशीन होती है, और तो जो बाकी मशीनें आ रही है जेसीबी की, टाटा की, केस की, जो एस्कॉर्ट की, सारे में ऐसे ही आ रहे हैं स्टेपलाइजर, क्योंकि कंपनी हर एक चीज़ का ध्यान रखती है छोटा छोटा। ठीक है भाई, और ये जो मशीन है जो टाटा की, हमारी 315 जो मॉडल आया था, इसके अंदर आपको यहाँ पे ये पैड नहीं मिलेंगे देखने को, जो यहाँ पे पैड अलग से जोड़े हुए होते हैं, इसके अंदर एक प्लेट होती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और अंदर भी।
तो ये प्लेट होती है, बस इसी से ये रुका हुआ होता है कि ये बिल्कुल हिलता भी नहीं है ये यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए ये मजबूत होता है बहुत ज़्यादा। और इसकी जो केपीसी है भाई, ये तो बहुत मजबूत केपीसी है, ठीक है। इसके अंदर ये जो प्ले आई है, ये भी जो मेरी गलती की वजह से ही आई है, क्योंकि मैंने इसके अंदर गिरीश नहीं मारी थी, और गर्मियों के अंदर ही बहुत चलाई थी, तो इसलिए इसके अंदर प्ले आ गई, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो ये मैं करूँगा पहले इसका जो गियर बॉक्स करूँगा, फिर उसके बाद ये जो भी छोटे मोटे काम है ये कर दूंगा इसके, ठीक है। और आप एक बार इसको, जैसे जो सेकंड हैंड मशीन नहीं होती है, तो आप उनको एक बार चला के भी देख सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई पहले आप जैसे मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बार स्टार्टिंग भी देखनी मशीन की, अगर ज़्यादा वो हो रही है मशीन, अगर ज़्यादा देर में स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो पंप है ना, जो डीजल पंप है, वो रिपेयर करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी मैंने मशीन जो है स्टार्ट कर ली है, अभी आपको ये टेस्ट करना है कि जो बूम है उसका जो कोई प्ले तो नहीं है, ठीक है। वो आप ऐसे करिए, आपको सिर्फ एक हाथ से चलानी है मशीन, ठीक है। बूम को पहले ऊपर उठाएं ऐसे, ठीक है। तो इसका जो ये बूम सिलेंडर है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए जहां रोक रहा हूं वो वहीं रुक रहा है बिल्कुल, ठीक है। और फिर आपको देखना है ये जो स्टिक वाला जो आर्म का जो सिलेंडर होता है डिपर का, इसमें कोई वो तो ना है प्ले। तो देखिए आप इसको एक हाथ से चलाइए, इसके अंदर अगर थोड़ी सी प्ले होगी तो आपको पता चलेगा। ये देख लो, ये बिल्कुल जहां रोक रहा हूं वहीं पे रुक रहा है, और जो ज्यादा जो प्ले होती है ना, वो आपको जो इसका घूमने वाला जो सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर आते हैं बहुत ज्यादा प्ले। अब जैसे मैं तो घुमा रहा हूं, तो मैंने रोक दिया, तो ये कितना हिल रहा है, ये देख लो आप, रोकने के बाद कितना हिल रहा है, ये देखो ये कितना हिल रहा है। तो ये जो बातें होती है कुछ, जिसको आपने ध्यान में रखना, ठीक है भाई, क्योंकि जो और जो बकेट का है वो तो आपको अलग से ही पता होगी, जो प्ले आएगी देख लो बकेट कितना हिल रहा है, पूरी प्ले इसके अंदर जो पिन बुश है इसका जो गया हुआ पूरा, ठीक है। तो ये आपको कुछ जरूरी बातें हैं ध्यान रखनी है। तो भाई आज का व्लॉग बस इतना ही था, अगर आपको और कोई बात पूछनी हो, या फिर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपकी, में सेकंड हैंड मशीन खरीदनी हो आपको, तो उसमें और क्या क्या आपको चेक करना है, तो आप बताइए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको कल एक और व्लॉग के साथ, बढ़िया सा व्लॉग आएगा। और अभी तो बस शाम होने वाली है, और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको कल एक और व्लॉग के साथ।